अहम खबर देंगे आपको। विफाक शरी अदालत ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। फरतुल्ला बाबर, अलमास बॉबी और दीगर कई फरीक बने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच, हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब जी, अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को गुजारिशात जमा कराने की हिदायत कर दी। फाकी शरी अदालत इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त हुई। फाकी शरी अदालत ने सीनेटर मुश्ताक फरतुल्ला बाबर और अलमास बॉबी समेत मुख्तलिफ अफराद की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर करते हुए तमाम फरीकैन को अपनी गुजारिशात करीबी तौर पर जमा कराने की हिदायत की। वकील एचआर ने कहा कि वजारत इंसानी हकूक का काम सिर्फ अमल करना है। कई मकाम चीफ जस्टिस शरी अदालत ने कहा कि असल मसला हकूक का है, जिसके भी हकूक है वो उनको मिलने चाहिए, तो मिलना ही असल मकसद है। कोई आंखें बंद कर ले तो वो नबीना नहीं बन जाएगा। और मकबूल जान ने कहा कि बिल बनते वक्त पूरी असेंबली ने बिल को मंजूर किया था, जबकि फरतुल्ला बाबर ने अदालत को बताया कि बिल बनते वक्त इसमें सारे अमल में शामिल था। बिल पर क्या इतराज थे, क्या बहस हुई, अदालत को बताना चाहता हूँ। दो बिलों को मिलाकर दरअसल एक बिल बनाया गया, जिसकी वजह से अवाम पैदा हुआ। वकील सीनेटर मुश्ताक का कहना था कि सेनेट में नया बिल जमा कराया गया, किसी को अपनी मर्जी से जिंस तब्दील करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जबकि वकील एनजीओ का कहना था कि ट्रांसजेंडर कानून में चीजों को मिक्स कर दिया गया है। मैं ट्रांसजेंडर ने कहा कि ट्रांसजेंडर दरअसल एक पैदायशी नुक्स है, जबकि कम्युनिटी और हम ट्रांसजेंडर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बेहतर है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए। तलब किसी जिंस के मेहर को मामलत के लिए तलब करे। फरजाना बारी, फातिमा एहसान समेत बहुत से जिंस के मेहर भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुजना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच अपडेट करने के लिए। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो है वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।